देर आते तो मेरी नेक्स्ट बाइक, मेरी नेक्स्ट बाइक मेरे सामने खड़ी है, इसको गिफ्ट कर देना फिर शादी के बाद। कौन सी बाइक? ये क्या, ये खड़ी है ये? ये हाँ मुंह देखे अपना करो। 1 2 3 स्टार्ट। चैनल आज फाइनली आज आ गया अपने कावासाकी वेस्ट डेली फॉर द बाइक डिलीवरी। और आपको तो टाइटल देख के पता चलिए होगा कौन सी बाइक की डिलीवरी देने वाले हैं। बाकी आपको अंदर चल के दिखाते हैं क्या क्या गाड़ी लगी हुई है। ये हाँ पापा है तो अपनी बाइक नीचे से ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे कवर अप हो चुका है। इसके अंदर है अपनी गाड़ी, बाकी और लाइनअप दिखा देता हूँ। यहाँ खड़ी है जरेक्स खराब नई वाली 2023 वाली निंजा 300 की, दो कलर्स खड़ी हैं, लाइन ग्रीन है, नहीं बनी गई। और ये तो KRT वाली, इस ऑफिस पे भी KRT लिखा हुआ आ रहा है, पहले नहीं आता था। निंजा 400 ब्लैक, अपने को चाय मिल गई, मस्त चाय पीते हैं। केक भी आया अपना, केक अपना अरेंज हो रहा है आज ही। और ठीक इसके नीचे है अपनी बाइक। मेरा खैर आपको टाइटल से पता चल चुका है इसके अंदर निंजा 650 है। अब देखो कोई बड़ा चैनल तो है नहीं कि मैं गेस करूँ कि कौन सी बाइक है। और वो इनकेस मैं क्वेश्चन मार्क डाल के वो थंबनेल भी डाल भी दूँ तो कोई देखने नहीं आएगा, क्योंकि चैनल ही छोटा है, उतना अभी रीच है नहीं मेरा। तो इससे बेटर है डायरेक्ट वो टाइटल में मेंशन कर दो कौन सी बाइक है, नाम पे कुछ तो व्यूज़ तो आ ही जाएंगे। तुम बनाओगे तुम। सुनो मेरी नेक्स्ट बाइक ये, मतलब सुनो मेरी नेक्स्ट पहले पहली की ले लो भाई डिलीवरी, वो भी अगर लेट कर दिया आने में, अगर देर आ जाए तो। मेरी नेक्स्ट बाइक मेरे सामने खड़ी है, इसको गिफ्ट कर देना फिर शादी के बाद। कौन सी बाइक? ये क्या, ये खड़ी है ये? ये हाँ मुंह देखे अपना। अभी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है, तुम्हारे अकॉर्डिंग कितनी होगी? जितने की भी होगी तुमको नहीं देंगे। अरे गेस तो करो। तो भाई फाइनली प्रिपेयर हो गया अपनी बाइक की डिलीवरी, सब लोग आ चुके हैं इधर और मैं भी रेडी हो गया। जैकेट वगैरह लेकर यहीं से डायरेक्ट अब निकल चलेंगे, वर्कशॉप जाएंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे अगर प्रोडक्ट्स लगाने होंगे तो वो लगाएंगे, वरना फिर यहाँ से सीधे डिलीवरी लेके निकलेंगे। तो ये भाई अपने इतने सारे लोग डिलीवरी के लिए इधर खड़ी हुई, मम्मी और डीडी और इधर लग चुकी है अपनी बाइक पूरी फुल ऑन पैक होकर डिलीवरी के लिए। तो लेट्स बिगिन। पीछे से खींचो, सीधे पीछे से। राहुल जी पूरे खींचो, उतार दो, क्लैप कर दो, क्लैप क्लैप करो। 1 2 3 स्टार्ट। चाबी दे दे राहुल, चाबी ये पड़ी। लो मुनि बना रहा वीडियो बना रहा। मेरे वाले ही आओ, केक कट करो भैया। और आप मुझे बता दीजिए MI का क्या चल रहा है।
एक मिनट कैसे होता है हो रहा हो रहा हाँ ऑन है फाइनली अपने गाड़ी हमने ले ली, इसे करते हैं फर्स्ट स्टार्ट और निकलते हैं। क्लच बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। क्यों चलो अपन लोग चलेंगे धीरे धीरे, आगे पे आ जाएंगे फिर भगाएंगे। अरे यार मिरर से एडजस्ट करना ही भूल गया भाई, मेरे को कुछ विजिबिलिटी नहीं मिल रही पीछे की। ओह भाई मैंने गलती से एक्सेलेरेटर ले लिया भाई। मेरे थोड़ी सी मेरे को डरा रही है भाई, मतलब मैंने टेस्ट राइड ले रखी है 650 की, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं चल रही थी जितनी ये चल रही है भाई साहब। ट्रैक्शन कंट्रोल वन पे भाई, वन पे तो ऐसा हाल है। इसका बहुत मूड है, बहुत लिटरली बहुत मूड है। क्लच क्लच छूके तो मजा आ गया, मक्खन है ये। अपनी गाड़ी यहाँ पे रोकनी पड़ेगी। चलो मैं तब तक मैं ये कैमरा ऑफ कर देता हूँ, इस तक बोलूँगा सीधे हाईवे पे। और जो भी इसके रिव्यूज़ हैं वो तो अब कल ही अच्छे से मैं डाल पाऊँगा। आपको डे टाइम में दिखाता हूँ कि ये गाड़ी कैसे दिखती है, इसकी वॉक अराउंड देता हूँ, इसकी विजिबिलिटी, इसके स्पेक्स सब कुछ मैं बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये ऑफ करते हैं और एक बार मैं एक और हाईवे पर एक बार एक वीडियो शूट करवा इसका। हालांकि मैं फुल थ्रॉटल तो लेके नहीं जाऊँगा, बट जितना भी लेके जाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा, हाईवे पर वाली तो ज़रूर दिखाऊँगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं चेक करनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गए तो फाइनली अब आ गए अपने घर की तरफ, अपना फेवरेट। और ये अब शादी जा रहा था, अरे यार फाइनली निकालना पड़ेगा।
खुलेगा नहीं, आवाज़ नहीं आई। मैंने अभी तो अपने व्लॉगिंग सेटअप भंगा नहीं बनाया, मैं ये GoPro वाला ही महसूस कर रहा हूँ। अगर टाइम मिला तो गाड़ी की पूजा आज ही करवा दूंगा, अपने से बाद में रखूंगा वो, उसके मैं व्लॉग में नहीं लूंगा क्योंकि फिर अंधेरा ही आता है कैमरा में, तो दिखता तो है नहीं, तो फ़ायदा नहीं रिकॉर्ड करके, फ़ोन से रिकॉर्ड करना वो तो अलग बात है। तो यही थी अपनी सुपर बाइक की डिलीवरी। अनेकों लोग ऐसे सुपर बाइक मानते नहीं है, हालांकि हाँ कह भी सकते हैं, बट ये मिसकंसेप्शन है कि भाई सुपर बाइक वही है जिनके इनलाइन फोर है, उनको बाकी परफॉर्मेंस और वो इंजन कैटेगरी से मतलब ही नहीं है। अब एग्जांपल देख लो ZX25R का, 250 cc की भाई है, लेकिन लोग इससे वो कुछ लोग सुपर बाइक मानते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, बोलते भाई तो क्वार्टर नहीं जा रहा है वो सुपर बाइक में थोड़ी आएगी, बट इंडियंस तो मानते हैं उनको सुपर बाइक, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सिर्फ इनलाइन ही फोर ही सुपर बाइक है। लोग वो लोग V12 व V4 वगैरह को भाव नहीं रहते, उस हिसाब से देखा जाए तो जो दुबाटी की मॉन्स्टर आती है वो तो V2 है, लोग उसे सुपर बाइक समझ ही नहीं करेंगे, अरे अरे तो इसमें दो ही सिलेंडर है, दो सिलेंडर है V12 है, कोई बोलेगा नहीं नहीं यार ये तो मानते ही। अरे वो भी तो आती है डूब 1290, भाई बताओ 1200-1300 cc की बाइक है वो भी, लोग उसे भी सुपर बाइक नहीं कंसिडर करेंगे, बोलेंगे अरे इसमें तो दो ही सिलेंडर है। तो एक थोड़ा एक मिसकंसेप्शन बन गया है टाइप का कह सकते हो, कि सुपर बाइक वही होती हैं जिनमें 4 सिलेंडर हो या 3 सिलेंडर हो बट आवाज़ अच्छी आती हो, 3 सिलेंडर वाली एक ही आती है ड्राइवर को पता है। चलो वो अपने अपने नज़रिया है, मेरे अकॉर्डिंग है मेरे लिए सुपर बाइक है, बाकी जो जैसा वो जैसा समझे, मेरे लिए तो भाई बहुत सुपर बाइक यही है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग सुपर बाइक यही है। भाई कुछ बारू बंदी जा रहे हैं, बंदियाँ नहीं बंदू जा रहे हैं गाड़ी में, ये लर्नर कैसा लगा रखा है, एक कैसे साउंड आ रही है सिटी वाली, अच्छा ये लग रहा है हवा की हो रहा है ना उसकी वजह से आ रही होगी। यार ये एम्प्टी हेलमेट काफ़ी सही है, मतलब मेरा मुंडी ऐसे ऐसे नहीं हिल रहा है जैसे लेफ्ट हैंड हिलते हैं, मेरा वो स्टील बोर्ड वाले में बहुत दिक्कत आती थी, उसमें भी एक छोटा सा स्पॉइलर दे रखा है बट वो फिर भी दिक्कत आती थी, उस वाले में बिल्कुल भी ऐसी कोई सच इशू नहीं आ रही है। गाड़ी में बहुत पावर यार, मैं इससे अंडर पावर समझ रहा था, मैं सोच रहा था भाई इससे बढ़िया मैं Z900 हूँ, क्योंकि 8 लाख लगभग की ये आती है और वो 10 लाख की आती है, तो मेरे दिमाग में यही था कि भाई इसको छोड़ो Z900 ही लेते हैं, तो इससे मैं अंडर पावर समझ रहा था और सोच रहा था कि Z900 लूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर है। मैंने टेस्ट राइड करी थी तो मेरे को लगा कि भाई ये तो आराम से चल जाएगी, बट वो ऑब्वियसली टेस्ट वाली बाइक थी तो उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, वेस्ट ब्रेक थोड़ा घिसा हुआ होता है, पिकअप उतना फास्ट नहीं होता, बट इसको चलाने के बाद लग रहा है भाई ये बहुत पावरफुल है। मैंने सही डिसीजन लिया कि मैंने मतलब Z900 पे नहीं गया, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती, करेंगे उस पर भी अपग्रेड करेंगे, ये भी हो सकता है और लिमिट पुश करेंगे, 10R तक जाएंगे, लिमिट पुश करेंगे, देखते हैं कितना तक अपना जो कैपेसिटी होगा उस टाइम पे 2-3 साल बाद। अभी जैसे मैं चलाऊंगा ये मेरी डेली कम्यूटर बाइक रहेगी, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ संडे निकालूँ, मैं ऑफिस भी इससे ही जाऊँगा। तो बस आज का इतना ही था, बाकी मैं पहले ही सेगमेंट कर चुका हूँ क्योंकि मैं इसका वॉकआउट वगैरह बाद में देता हूँ। हाँ एक बार मैं अभी थोड़ा एक बार वो फोटल खींच के दिखा दूँगा, उसके बाद सीधे वीडियो एंड करते हैं। बाइक की टेम्परेचर ठीक है 92 डिग्री सेल्सियस, वहाँ भी ट्रैफिक में 110 पहुँच गए थे, 105-110, और पूरा मतलब उस टाइम पर फील हो रहा था अब ठीक है, अब वो कोई गर्म हवा मेरे डायरेक्ट पैरों में नहीं आ रही है, कल के बाद आई थिंक आएगा। उनको एक फोटल लेते हैं ठीक है,
एक पॉइंट मैं मेंशन करना भूल गया, कल मैं अपने फैमिली के साथ ही निकला था मार्केट, और वही दोपहर के 1-2 बजे उस दिन, ये अच्छी बात है, शिवरात्रि थी, और कॉल आया सर आपकी बाइक आ चुकी है, वो रेडी है हमारे यहाँ, आप आओ और ले जाओ। मैं बोला भाई साहब, मतलब क्या सही थी शिवरात्रि के दिन ये न्यूज़ आई, मतलब डबल गुड न्यूज़। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसको आज ही प्लान आउट करते हैं, आज मैं रिकॉर्ड इस संडे को कर रहा हूँ, लेकिन ये ब्लॉग आएगा अगले संडे को, मैं बीच में बाकी सारी वीडियोज़ का शेड्यूल करूँगा। भाई मैंने वीडियोज़ तो बना दिए, मैं डाल नहीं पाता हूँ, तो उसको मैं प्लान आउट करूँगा उसको डालने का जल्दी। तो आज डेट है 19 फरवरी, बढ़िया, आपको एक हफ्ते बाद 18 को शिवरात्रि थी, 19 फरवरी का आज मैंने डिलीवरी ले ली, और ये वीडियो आप देख रहे हो मोस्ट प्रोबेबली अगले संडे, जो भी आएगा, जो भी अगला संडे जो डेट पड़ रहा है, क्या होगा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, आई थिंक 26 तारीख को संडे है, उस तारीख को आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी मेरी डिलीवरी वाली। तो रैप करते हैं इस वीडियो को, एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी आई होगी, पसंद आई होगी मेरी डिलीवरी वाली, हालांकि मैंने इसमें कुछ खास इंटरेक्टिव किया नहीं, मैंने उधर कुछ स्टार्टिंग में बनाया नहीं, इसकी आदत नहीं है, तो थोड़ा सा एक डर वगैरह भी लगता रहता है, अजीब लगता है कि भाई लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। गेमिंग चैनल में तो असल मैंने कभी अपना वो फेस करना नहीं पड़ा, इसमें करना पड़ता है, तो उतना भी नहीं करना पड़ता, लेकिन सबके सामने बोलना रहता है, तो भाई घर बैठे जो बोल रहे हैं बोलते रहो, सॉरी सुन रहा है, मेरे को भी नहीं पता व्यू कैसा आ रहा होगा, मैं बस ये आज ही ख़रीदा है ये, इसका चिन माउंट और सीधे लगा दिया है, मैंने ये भी चेक नहीं किया इसकी व्यूज़ अच्छे आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, मतलब व्यू एंगल अच्छा था ही नहीं था, उम्मीद करता हूँ अच्छा आया हो भाई, तो वीडियो बिगड़ेगा और क्या, बाकी आपको कल इसकी पूरी प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी, कल कहने का मतलब अगले संडे के ट्यूसडे को, हाँ ट्यूसडे को मिलेगी, एक कुछ दिन बाद ही बनाऊंगा, उस टाइम एक राइड पे भी जाएंगे, छोटी सी मूर्खल या पंचगांव देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो करते हैं वीडियो समाप्त, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।